हेलो जी, गुड आफ्टरनून, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया, सब मस्त होंगे। हम भी बढ़िया हैं। तो जी, आज मैं जा रही हूँ ऑफिस। और कौन से ऑफिस जा रही हूँ आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं बता देती हूँ ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए। हस्बैंड जी के ऑफिस जा रही हूँ मैं, और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। अब 4 बज गए हैं और 4 बजे इनको जाना है पंचिंग करने, तो साथ में मैं भी जा रही हूँ। रास्ते में काफ़ी सारा काम है, तो अभी पहुँचे हैं विजयनगर। और कुछ हमारे काम है, तो यहाँ देखिए पीछे में हमने एक पटरा रखा है पीछे में, इसका भी काम करवाना है। एक शूरेक बनवाना है, ओपन शूरेक। तो ओपन शूरेक बनवाऊँगी, मतलब जो रेगुलर पहनते हैं शूज़ वगैरह। तो रखा था, स्ट्रक्चर तैयार है, बस ये पीछे से ऐसी कुछ कुछ चीज़ें उसमें करवानी है, हल्की सी हल्का काम है। और बाकी शूरेक का ऑर्डर देने जा रहे हैं वहाँ पर साथ में। और अभी अच्छी टाइट धूप हो रखी है, बीच बीच में ऐसा मौसम हो रहा है कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी, पर बारिश वगैरह तो नहीं हो रही है, बस अब बादल हैं, बारिश नहीं हो रही है। काफ़ी अच्छी टाइट धूप है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही टाइट धूप है। ये देखिए हल्के हल्के से बादल हैं, बीच में अचानक से बादल आते हैं चले जाते हैं। वाले रेस्टोरेंट में जाना है, वह काबेलू और रावेलू बना दिया उसको यार, वो देखो वहाँ है, उसमें जाना है एक बार। इधर हम जा रहे हैं पाटनीपुरा, पाटनीपुरा चौराहा। तो हमने अपने लकड़ी वाले काम को दे दिया है, लकड़ी वाला जो भी काम करना था भैया को, और बोले हैं कि 1-1.5 घंटा लगेगा। हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल लेंगे। अभी जा रहे हैं हस्बैंड जी के ऑफिस, और इतना दूर है ऑफिस की मत पूछो भाई। और इधर चालू हो गया है, मतलब काम चल रहा है। चालू तो कब से ही है, अभी काम ही खत्म नहीं हो रहा है। मेट्रो का काम चल रहा है, ये शादी स्टेशन बनेगा मेट्रो स्टेशन। तो ये काफी दूर है उज्जैन रोड में ऑफिस, ये देखा है सुपर कॉरिडोर है ये। तो अभी यहाँ पहुँचने को हमको 1/2 घंटा लगेगा, यही आसपास ही ऑफिस है। अगर मेट्रो बन गई तो तुमको यहीं से उतरना पड़ेगा। यस, अब इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी, उधर से थोड़ा दूर पास पड़ता है, इधर से थोड़ा अंदर चलना पड़ता है, इधर गाड़ी बाहरी खड़ी करनी पड़ती, तो इधर चलता हूँ। ये यहाँ से जाओगे तो फ्रंट भी ऐसे लंबा है 1/2 किलोमीटर से ऊपर। अरे खाओ यार, ऐसा कैसे नहीं हो रही है? अरे बहुत इच्छा होनी चाहिए। तो जी, ऑफिस का काम हो गया था, पंचिंग कर ली थी इन्होंने, फिर हम निकल गए थे, एक भैया के घर चले गए थे, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया, चाय वाय पी, मज़ा आ गया। और जो बनाया था ना, क्या बोलते हैं उसको, मोदक ड्राई फ्रूट्स के, बड़े शानदार थे। मैं भी घर में ट्राई करूँगी, बनाऊँगी बच्चों के लिए, काफ़ी हेल्दी और अच्छे थे, मुझे बहुत पसंद आए, मैं भी बनाने वाली हूँ। जा रहे हैं घर, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जी, अभी हम घर गए थे, अब मैं फिर से वापस स्कूटी में घूम रही हूँ, और आज बस घूमते रहना है, घूमते रहना है। तो ईशू को साइकिल चाहिए, तो उसकी साइकिल लेने आए, मतलब स्कूटर लेने आए हैं। पिताजी आए हैं, खूब खर्चा कर रहे हैं बेटे के ऊपर। जी, हम साइकिल की दुकान में आ गए हैं, और ईशू का देखते हैं स्कूटर। ईशू कौन सा स्कूटर लोगे? स्कूटी से घूमने के बाद अब मेरा नई जगह में जा रही हूँ, तो सोचा वो भी शेयर कर दूँ। तो आई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गणपति बप्पा के दर्शन करने। चलो चलो चलो, मीको मीकुड़ा। तो जी, आप भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। ये रहे लाल बाग के राजा जी हैं, और बहुत ही अच्छी प्यारी सी गणेश जी की मूर्ति है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और मेरी फ्रेंड रोज़ अपने हाथों से ये प्रसाद बनाती है, तो आज उसने बनाए हैं नारियल के लड्डू। ये देखिए, घर में छोटे बच्चे हैं, ये देखिए, तो ये थोड़ा शोर और करते रहते हैं इस तरह से। तो बाकी सजाया है, बहुत शानदार सजाया है, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन किया है, ये देखिए, बढ़िया से, बहुत ही अच्छे से किया है। और यहाँ चांदी के भी गणेश जी रखे हुए हैं, और लक्ष्मी माता के साथ भी है गणेश जी, नहीं, गणेश जी के 2 रूप हैं यहाँ पर।
अच्छा प्रसाद ऐसे थाली में नहीं। हाँ हाँ तो मेरी फ्रेंड ने नाश्ते की व्यवस्था कर रखी है। ये देखिए मसाला चना बनाया है जो कि बहुत ही शानदार लगता है। पिछली बार भी बनाया था, मम्मी ने बनाया था वैशाली के, बहुत ही टेस्टी लगा था मुझे। और इधर दूध रखा हुआ, इसकी चाय बनने वाली है और साथ में ये नमकीन खिलाएगी और लड्डू भी खिलाने वाली है। नाश्ता हो गया है जी, लड्डू प्रसाद में दिया है, सेव दी है, नमकीन दी है और ये चना, सूखा चना चाट वाला बढ़िया सा, और ये बहुत पसंद है मुझे। ओ बिकुड़ा, ये क्या हो रहा है। तो जी चाय भी आ गई है, चाय का लुफ्त उठाते हैं। ये वही वाले कप है ना, राजवाड़ा वाले। हाँ मेरे पास भी है। हम दोनों ले लिए थे, राजवाड़ा गए थे ना तब ले गए थे हम लोगों ने। तो जी रात के बज रहे हैं 12। आज मैं पूरी ब्लॉगिंग घूम घूम के कर रही हूँ। रात के बज रहे हैं 12, हमारा आइसक्रीम खाने का मन है तो हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और मज़ा आ रहा है स्कूटी में घूमना, वैसे सेफ तो नहीं रहता है रात में, बट आज निकल गए हैं तो बस अब आइसक्रीम खा के ही निकलेंगे। और रात के 12 बजे इंदौर की लाइफ स्टाइल दिखाते हैं लोगों की, नाइट लाइफ। ये देखिए अभी भी गाड़ियों की चहल पहल है, मतलब पूरी मुंबई का फोटो कॉपी है यहाँ पे। यहाँ लोग 4-4 बजे तक घूमते हैं। तो जी अभी आए C21 मॉल और अभी भयंकर मस्त भीड़ हो रखी है। बंद हो गया क्या? बंद हो गया नेचर ये। अरे बंद हो गया, 11 बजे ही बंद हो गया। आजकल जल्दी बंद करें, 12-1 बजे तक तो खुला ही रहता था। ये कुछ हो रहा है क्या? मेरे ने बेस्ट प्राइस ही तो नहीं, नहीं बेस्ट साइड है ये तो। अच्छा काम चल रहा है इसमें। आपको कितना पड़ेगा? 5 मिनट बस। तो जी रात के बज रहे हैं 12:20 और हम हैं महालक्ष्मी नगर में और यहाँ सूट खरीद रहे हैं। ये देखिए रात के 12 बज रहे हैं और ज़बरदस्त भीड़ हुई है ये देखिए। और बढ़िया बढ़िया सूट है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है भैया के पास। ये देखिए आइसक्रीम खाने निकले थे और यहाँ सूट ले रहे हैं, दीदी पैक कर रही हैं। धोने पे इसका कुछ भी नहीं जाएगा। अभी तक तो किसी ने शिकायत, ये 650 का है। कहाँ से आप? सूरत से। सारा ऑनलाइन का है, जितना भी माल है ना मेरे पास सारा ऑनलाइन है। तो आप रोज यहाँ पे लगाते हो क्या? हाँ मैंने आज से स्टार्ट किया है, पहले दिन सुबह तक सब चला जाएगा। सुबह तक बैठ जाओ आप, हम लोग नाश्ता पानी कराते रहेंगे। एकदम तो सब आ गए आंटी, करने तो ये तो हम आ गए। हाँ भीड़ देख के फिर और भी सब आते गए। एक्चुअली क्या है आंटी रहते वो पहचानती है। हाँ ये कौन सा साइज लिया था मैंने? एम नहीं है क्या इसमें? एम हो तो दे दीजिएगा क्योंकि मुझे स्मॉल आता है। तो आप रोज लगाओगे क्या यहाँ पे? हाँ। कितनी बजे से? 7:30-8 बजे से। साढ़े यहीं पे? हाँ। वो स्मॉल साइज आता है? हाँ तो मीडियम दे दीजिए। तो जी हमने सूट ले लिया है, रात के 12:30 तक हमारी शॉपिंग चल रही है, ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं। और जो भी इस रास्ते से गुजर रहा है ना वो सब सूट लेने के लिए रुक रहे हैं क्योंकि भीड़ जमा हो रही है। पुलिस वाले भी आए थे, क्या हो रहा भैया गंदगी नहीं मचाना। और देश का नंबर 1 सफाई के मामले में शहर है तो उसको मेंटेन करना, तो वही सब भैया अपना ठीक ठाक कर रहे थे। वैसे कुछ गंदगी नहीं थी, प्लास्टिक वगैरह ही था। और चहल पहल जारी है ये देख सकते हैं। और तो जी चलते हैं घर। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुई है, पता नहीं शायद मेडिकल शॉप है इस वजह से। और पान वान लोग यहाँ खाने निकलते हैं रात में। और हम तो चल रहे हैं घर। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, घुमक्कड़ वाला ब्लॉग। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और
जरूर बताना कैसा लगा ब्लॉग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।